झारखंड में ईडी ने एक बार फिर जमीन घोटाला मामले में दबिश डाली है। ईडी की टीम ने बरियातू और कोकर इलाके में राज्य के कई लोगों के ठिकानों पर छापा मारा है। जिन लोगों पर कार्रवाई हुई है उनमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता अंतु तिर्की, प्रियरंजन सहाय और ठेकेदार बिपिन सिंह का नाम शामिल है। गौरतलब है कि 9 अप्रैल को ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े लैंड स्कैम केस में फर्जी डेट बनाने के मास्टरमाइंड सद्दाम को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद ईडी ने सद्दाम को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। सद्दाम से मिली जानकारी के बाद ईडी की टीम छापामारी कर रही है। लैंड स्कैम की अब तक की जांच में ईडी अमित अग्रवाल, दिलीप घोष, रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, बड़गाई अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, कथित रैयत प्रदीप बाख्शी, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तलहा खान और फयाज खान को गिरफ्तार कर चुकी है। सभी आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। और रांची सहित राज्य के आधा दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर जो है ईडी की छापेमारी चल रही है। कई जगहों पर ईडी छापेमारी कर रही है। बरियातों में जेएमएम नेता अंतु तिर्की, ठेकेदार विपिन सिंह के घर पर रेड पड़ा है। कोकर में प्रियरंजन सहाय के यहाँ छापा पड़ा है। जमीन से जुड़ा मामला है जिसे लेकर ईडी छापेमारी कर रही है और फिलहाल पूछताछ चल रही है। अधिक बातचीत और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इमरान जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। इमरान, देखिए ईडी की जो दबिश देखने को मिल रही है और छापेमारी चल रही है रांची में, रांची सहित और भी कई जगहों पर छापेमारी चल रही है। साथ ही देखिए जेएमएम के नेता है अंतु तिर्की, बरियातू में उनका आवास है जहां छापेमारी सुबह से चल रही है। साथ ही साथ ठेकेदार विपिन सिंह के घर पर भी रेड पड़ा है। क्या कुछ बातें फिलहाल अब तक निकल कर आई है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से सुबह से ही लगातार कई लोकेशन पर ईडी के द्वारा जो है वो लैंड स्कैम से जुड़े मामले को लेकर के कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई के दौरान जो है जेएमएम के नेता अंतु तिर्की के आवास पर भी ईडी की टीम जो है अहले सुबह पहुंची थी। यहां पहुंच करके लगातार अंतु तिर्की सहित अन्य लोगों से घर पर ही पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ घर को जब सर्च किया गया तो कई दस्तावेज बरामद होने की सूचना मिल रही है, जिसके आधार पर ईडी की जो टीमें हैं वो पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई। हालांकि इससे पहले न्यूज 11 के माध्यम से दिखाया था कि कई दस्तावेज के लेकर के भी ईडी के अधिकारी जो है वो अंतु तिर्की का आवास पहुंचे थे बाइक पर, और ऐसे भी उन दस्तावेजों के आधार पर भी अंतु तिर्की से पूछताछ की जा रही है। अब दिखाते हैं तस्वीर आपको, कि दो तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे जो बेहद खास है। एक झारखंड मुक्ति मोर्चा का केंद्रीय कार्यालय जहां पर अंतु तिर्की का अपना आवास है, उस जगह पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का केंद्रीय कार्यालय चला करता था, रहा करता था। फिलहाल निर्माणाधीन है, निर्माण कार्य चल रहे हैं। ठीक उसके बगल में जेएमएम के ही नेता है अंतु तिर्की, और वो उनके घर पर जो है ईडी की टीम पहुंची है और लगातार जो टीमें हैं वो अंदर में बनी हुई है और जो सुरक्षा बल है वो अपने ड्यूटी पर मुस्तैद है। तो कहीं ना कहीं अगर सुरक्षा की बात करें तो सीआरपीएफ के जवानों के साथ अहले सुबह से ही ईडी के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे पहुंचे थे। और अंतु तिर्की का जो आनंद भवन है इस जगह पर लगातार जो ईडी के अधिकारी हैं वो बने हुए हैं, सुरक्षा घेरे पर जो है उनके जवान जो हैं वो अलग से तैनात किए गए हैं। इनके अलावा राजधानी रांची के अन्य कई ठिकानों पर, चाहे वो विपिन सिंह जो कि एक ठेकेदार के रूप में है, जमीन कारोबार के रूप में है, उनके यहाँ प्रियरंजन सहाय जो कि कोकर बैंक कॉलोनी में उनका घर है उनके यहाँ, और इनके अलावा शेखर कुशवाहा जो कि खेलगांव स्थित जो घर है उनके यहाँ, इन तमाम चार लोकेशन के साथ अन्य कई जगहों पर ईडी के टीम के द्वारा जो है वह कार्रवाई की जा रही है। यह पूरी कार्रवाई जो है वो लैंड स्कैम से जोड़ करके देखा जा रहा है, लैंड स्कैम के मामले को लेकर के ये पूरी कार्रवाई देखी जा रही है। तो ऐसे में देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर के ईडी को क्या कुछ सफलताएं मिलते हैं, क्योंकि अब तक लैंड स्कैम मामले को लेकर के जब भी ईडी के टीम के द्वारा छापेमारी की गई है उसमें ईडी को कई अहम जानकारियां मिली हैं, कई अन्य सूत्र मिले हैं, उन्हीं को
ईडी जो है अपने जांच को आगे बढ़ाते हुए कार्रवाई कर रही है। ऐसे में जब अंतु तिर्की के आवास तक जेएमएम के जो नेता हैं, अंतु तिर्की के आवास तक जब ईडी की टीम पहुंची है, तो यहां से किन किन लोगों के ठिकाने पर और जो है वो छापेमारी की जाएगी या फिर समन के जरिए बुलाया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। साथ ही साथ यह पूरी कार्रवाई जो है, जिसमें से कई जो ऐसे लोग हैं जो सीधे तौर से जमीन या ठेकेदारी से जुड़े हैं, उनके ठिकाने पर यह पूरी कार्रवाई की गई है। बिपिन सिंह कुछ जमीन और अन्य तरह के ठेका में शामिल रहते हैं। प्रिय रंजन सहाय जमीन कारोबारी के रूप में जाना जाता है। अंतु तिर्की जो है वो जेएमएम के नेता है, लेकिन जमीन के भी कुछ कार्य को लेकर के हमेशा से चर्चा में रहते हैं। ऐसे में कई ऐसे लोग हैं जिनके ठिकाने पर जमीन से जुड़े मामले पर ही ईडी के द्वारा कार्रवाई की जा रही है और कार्रवाई देर रात तक जारी रहेगी। जी बिल्कुल इमरान, तो देखिए अभी फिलहाल छापेमारी भी चल रही है, पूछताछ चल रही है, इस क्रम में क्या कुछ और बातें निकल कर सामने आती है इसका इंतजार तभी खत्म होगा जब पूछताछ खत्म होगी। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए और आगे के लिए नजर बनाए रखिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।